शादी का सीजन हो या कोई और मौका, बेहतरीन कपड़ों के लिए सिर्फ कलकत्ता क्लोथ स्टोर। कलकत्ता क्लोथ स्टोर, राउंड बस्ती नियर जामा मस्जिद। माय कैमरा, अरे फोटो नहीं यार, कैमरा मिलेगा तो सही, जहां भी छिपा है कहीं छान डाले पूरा संसार, जिद पर किसा रुपए सवार, जब हो साथ में यार। The new age XUV 500, may your life be full of stories. यामा के बाइक खरीदने पर पाइए साल के आखिरी में स्पेशल डिस्काउंट। आपके लिए है यामा बाइक के लिए एक्सचेंज ऑफर भी। सभी सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए बाइक के लिए फाइनेंस भी उपलब्ध है। सिर्फ यही नहीं, हर बाइक पर और इंजन पर पाइए 5 साल की गारंटी। नमस्कार, स्वागत है आपका निशुल लाइफ पर और अंडमान लाइफ के साथ हाजिर हूं मैं कायनात अंसारी। अंडमान एवं निकोबार मीडिया फेडरेशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने अपने अध्यक्ष श्री के गणेशन की अगुवाई में 7 तारीख को मुख्य सचिव से मुलाकात की और आईपी डिवीजन अंडमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा विज्ञापन दरों के हालिया प्रस्तावित संशोधन पर अपनी आपत्ति जताई। मीडिया व्यक्तियों ने मुख्य सचिव को अपनी असंतोष से अवगत कराया कि आईपी डिवीजन ने प्रस्ताव पर सुझाव आपत्ति के दायरे के बिना भी अपनी पूरी प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया। अंडमान एवं निकोबार मीडिया फेडरेशन में सभी स्थानीय कार्यकर्ता पत्रकारों का सबसे बड़ा संगठन है, जिसमें 50 से ज्यादा सदस्य शामिल हैं। फेडरेशन में सभी मीडिया संघों और प्रेस क्लब शामिल हैं। इसमें समाचार पत्रों, संवादकों, स्थानीय समाचार पत्रों के प्रकाशकों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मालिक जैसे सदस्य हैं। फेडरेशन ने पाया कि आईपी रिवीजन एक विज्ञापन दर संशोधन समिति के साथ जुड़ा हुआ है, जो पहले धारक के साथ उचित परामर्श के बिना गठित था। फेडरेशन का मानना है कि ये उचित समय है कि अंडमान एवं निकोबार प्रशासन इस समिति को संशोधित करे, जिसमें दोनों प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के फेडरेशन के प्रतिनिधि हों। फेडरेशन ने अपनी निराशा व्यक्त की कि आईपी डिवीजन ने पहले से ही निविदा विज्ञापन ऑनलाइन आवंटित करने का निर्णय लिया है, बिना हितधारकों के साथ परामर्श किए। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आईपी डिवीजन द्वारा कोई स्पष्टीकरण औचित्य नहीं दिया गया है, जो अखबारों के लिए बड़ी असुविधा पैदा कर रहा है। फेडरेशन ने मुख्य सचिव को अवगत कराया कि आईपी डिवीजन द्वारा कई आपत्तिजनक निर्णय लिए गए, जो हितधारकों के अच्छे हित में नहीं है, और दर संशोधन की निरंतर प्रक्रिया को तत्काल निलंबन और ऑनलाइन निविदाओं विज्ञापनों का आवंटन और फेडरेशन प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों से प्रतिनिधित्व सहित जल्द से जल्द समिति को संशोधित करें। हालांकि इस संबंध में फेडरेशन के सदस्यों ने 8 तारीख को ही निदेशक सूचना और प्रचार विभाग से मुलाकात की, पर उनकी ओर से भी इस मामले को सुलझाया नहीं जा सका। जानकारी मिली है कि अब फेडरेशन इस मामले में कोर्ट का द्वार खटखटाने का मन बना चुका है। बहुत बड़ा मुद्दा था मीडिया का, आप लोग जानते हैं पिछले 2 महीने से जो है अंडमान फेडरेशन का तरफ से कई मुद्दे में अचानक देखा, कल डेली टेलीग्राम में रेट रिवीजन का एक नोटिफिकेशन आया, जिसका तहत जो है यहाँ में जो भी पेपर, जो लोकल जो पेपर चलती है, उसमें कोई भी जो है उसको कोई किस्म का कोई उसमें अच्छा तरीका से जो रेट जो फिक्स किया वो ठीक नहीं है। कम से कम 3-4 रुपया का इंक्रीज किया, और जो बड़े इसमें पेपर चलती है उसका, और कलर टेंडर तो यहाँ किसी को मिलती नहीं, उसमें ज़्यादा रेट उन्होंने बढ़ाया, क्योंकि डेली टेलीग्राम में कलर छपती है, इसलिए उन्होंने डेली टेलीग्राम को बढ़ावा देने के लिए ये जो रेट रिवीजन किया है डेली टेलीग्राम के लिए किया है। तो उसी मुद्दे के ऊपर हमारे मीडिया का भाई ने आज डायरेक्ट आईपी से बात किया, तो उन्होंने जो है अचानक बोला कि भाई जो बना दिया है वो चलेगा, और अभी हम कुछ, और उसी तहत जो है आज जो है हम लोग पिछले 3 दिन से जो है टेंडर जो रोस्टर के हिसाब से जो मिलती थी वो बिल्कुल बंद कर दिया। ऑनलाइन में बोला, ऑनलाइन वेबसाइट जाने से वेबसाइट खुलती ही नहीं, कुछ भी नहीं मिलता पिछले 3 दिन से। तो हम लोग ने ही डिसाइड किया कि आज सीएस से मिलके बात बोलेंगे,
तो अभी हमने सीएस के बाद अपना फरियाद रखी, तो उन्होंने ये बोला है कि ठीक है आपका कल से जो है वो एकदम वैसे चलेगा, जब तक कंटिन्यूशन ऑनलाइन ठीक नहीं होगा तब तक तुम लोगों जैसा पैसा चलता था, और बाकी सब मुद्दे जितने भी मुद्दे हैं वो हम एक दिन जो है डायरेक्टर आईपी और सेक्रेटरी आईपी को रख के आपका पूरा सॉल्व करेंगे करके उन्होंने वादा किया। अभी हमारा मीडिया फेडरेशन कल सीएस महोदय से जो एक डेलीगेशन मिला, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं के गणेशन उनका अध्यक्षता में, बड़ा आश्चर्य होता है कि ये प्रशासन सब कुछ जानने के बावजूद भी इतना इल्लीगल, इम्प्रॉपर, इतना इरेगुलर और इतना घटिया काम कर देता है जिसका हम लोग सोच नहीं सकते कि आज इस एडमिनिस्ट्रेशन को क्या हो गया है, इन अधिकारियों को क्या हो गया है। अभी एक नोटिफिकेशन जो जारी किया है, हमारा इन्हेंसमेंट जो एडवर्टाइजमेंट जो रेट है, तो हमारा जो 1986 का जो ओरिजिनल हमारा रेगुलेशन है उस प्रिंसिपल रेगुलेशन में साफ लिखा हुआ है कि जब भी कोई रेट बढ़ाए जाएंगे तो उसके लिए मीडिया में से एक कमेटी होगी और वो कमेटी उसके ऊपर विचार करके प्रशासन उसको प्रपोज करेगा, उसके बाद में उस रेट को एनहेंस करेंगे। लेकिन जो कमेटी में लोग थे उनसे ही डिस्कस नहीं किया गया, अभी फिलहाल में हमारा फेडरेशन अभी बना है ठीक है, लेकिन उसी से डिस्कस नहीं किया गया जो पहले से मेंबर हैं, और साथ ही कम से कम जो स्टेक होल्डर हैं उनके लिए ये पहले एक नोटिफिकेशन का ड्राफ्ट निकाला जाता है। ये हमारे ब्यूरोक्रेट्स को भली बात समझना चाहिए, कोई भी नोटिफिकेशन पब्लिक हित में, जनहित में या किसी स्टेक होल्डर्स के हित में जब तक वो सही नहीं माना जा सकता, जब तक उसको ड्राफ्ट लेवल पे पब्लिश ना किया जाए और उसमें सजेशन ऑब्जेक्शन ना पूछा। 8 दिसंबर को ह्युंडई कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने पोर्ट ब्लेयर में एक नए डीलरशिप जेन नेक्स्ट हैवी इक्विपमेंट्स का उद्घाटन किया। डीलरशिप का उद्घाटन ह्युंडई कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बिजनेस हेड और वीपी अनूप नायर द्वारा किया गया। इस समारोह में कंपनी के राष्ट्रीय सेल्स मैनेजर जॉयदीप बख्शी, दक्षिण भारत के क्षेत्रीय महाप्रबंधक जय कृष्णन, क्षेत्रीय पार्ट्स प्रबंधक जी साजी, पोर्ट ब्लेयर शाखा के प्रबंधक रिनू मैथ्यू फिलिप, अध्यक्ष आईजे खुराना तथा जेन नेक्स्ट हैवी इक्विपमेंट्स के प्रबंध निदेशक सागर खुराना मौजूद रहे। इस शाखा का कार्यालय पोर्ट ब्लेयर के बंगाली क्लब कॉम्प्लेक्स में स्थित है। इस अवसर पर अनूप नायर ने कहा कि वो इस नए डीलरशिप से काफी उत्साहित हैं और उम्मीद जताई कि इससे अंडमान और निकोबार के बाजार में ह्युंडई की पकड़ मजबूत होगी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि शाखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्राहकों का भारी उपकरणों की मांग को पूरा करेगी। प्रिंस ग्रुप अंडमान में एक जानी मानी और स्थापित नाम है जिसे हार्डवेयर से लेकर ऑटोमोबाइल तक की अच्छी समझ है। उनके समृद्ध ज्ञान और स्थापित ब्रांड नेम व्यापार के लिए उपयुक्त हैं। वर्तमान में ह्युंडई कंपनी नंबर 2 की पायदान पर है। ये डीलरशिप उपकरणों के संचालन, बिक्री, सेवा और पुर्जों को उपलब्ध कराने में पूरी तरह से सक्षम है। अंडमान एवं निकोबार द्वीपों में इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी मांग को देखते हुए आने वाले साल में ह्युंडई कंपनी की कई गुना विकास की और वर्ष के अंत तक डीलरशिप आउटलेट्स को 180 से 200 तक बढ़ाकर ग्राहकों के करीब जाने की उन्होंने उम्मीद जताई। आज हमने अपना चेन्नई हेवी इक्विपमेंट के नाम से ह्युंडई कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का नया डीलरशिप स्टार्ट किया है। ये पहली बार है अंडमान में कि आपको ह्युंडई का सर्विस और स्पेयर्स और सेल्स एक ही जगह में मिलेगा। हमारा ऑफिस बंगाली क्लब में है और हमारे पास अच्छे टेक्नीशियंस और स्पेयर्स का रेडी स्टॉक है। अंडमान में ऑलरेडी 33 मशीन्स हैं ह्युंडई के एंड वी नेचुरली ह्युंडई इज नंबर 2 इन इंडिया। हम चाहेंगे कि हम अपना बेस्ट सर्विस लोगों को दे पाए और जिस टाइम का डेवलपमेंट अंडमान में प्लान किया गया है और जो फंड्स आ रहे हैं बिग प्रोजेक्ट्स के लिए, तो वी होप दैट वी विल बी एबल टू कैटर टू ऑल आवर कस्टमर्स बेटर एंड प्रोवाइड देम द बेस्ट सर्विस एज वी हैव बीन डूइंग इट एवरी टाइम टिल नाउ। आज ये जेन नेक्स्ट हमारा इंडिया में 30वां डीलर है। इंडिया पूरे इंडिया में हमारे 29 डीलर हैं, अभी 30 डीलर हो गए। ह्युंडई कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंडिया 2008 से इंडिया में फैक्ट्री सेटअप किया है और इतने कम समय में हमने मार्केट लीडर का पोजीशन हासिल किया है। तो हमारे ये पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान में कुछ कस्टमर्स ऑलरेडी हैं और भी हम ज़्यादा बिजनेस यहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि
राष्ट्र का निर्माण में यानी यहाँ के रोड्स यहाँ के पोर्ट्स ये सब डेवलपमेंट में हमारे मशीनरी लगेगा, तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये डीलरशिप शुरू किया है। टू थिंग्स, एक तो मशीनें ज़्यादा आएंगी, दूसरा उनको जो कस्टमर्स खरीदे उनके लिए प्रोडक्ट सपोर्ट यानी पार्ट्स और सर्विस देना है, उसके लिए ये। ग्राउंड में आयोजित 7 दिनों तक चलने वाली रामकथा कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सनातन भक्तों ने हिस्सा लिया है। श्री रामचरितमानस की महानता और सबसे महान कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित महाकाव्य के बारे में ये प्रवचन आयोजित किया गया है। कार्यक्रम के 4th दिन भगवान राम और देवी सीता के विवाह समारोह के उत्सव के साथ रामकथा कार्यक्रम मनाया गया। इससे पहले विश्व प्रसिद्ध वक्ता साध्वी प्रज्ञा भारती ने आम लोगों के लिए बहुत ही सरल तरीके से रामायण के महत्व को समझाया और श्री रामचरितमानस की 7 अध्यायों के अर्थ भी भक्तों को बताए। साध्वी प्रज्ञा भारती के भजन और गीतों ने भक्तों का मन मोह लिया तथा श्रोताओं को उत्साहित कर दिया, जिससे भक्तों ने आध्यात्मिकता का आनंद महसूस किया। 3rd दिन साध्वी प्रज्ञा भारती ने बालखंड पे प्रवचन दिया, जो कि रामचरितमानस की पहली अध्याय है, जिसमें भगवान श्री राम के जन्म के समय का व्याख्यान किया गया है। साध्वी प्रज्ञा भारती अगला अध्याय अयोध्या कांड और अरण्य कांड का पाठ करेंगी तथा भक्तों को इसका मतलब भी समझाएंगी। जीवन के मूल्य को समझने तथा और सार्थक बनाने के लिए सभी सनातन भक्तों 3 दिसंबर 2017 से शुरू हुए रामकथा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और कल यानी कि 10 दिसंबर को इस कार्यक्रम का आखिरी दिन है। 10 दिसंबर को इस महत्वपूर्ण समारोह को राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी संबोधित करेंगे। इस श्री राम कथा आयोजन समिति अंडमान की भूमि पर पहली बार 11 वर्षों के बाद इस राम कथा का आयोजन हो रहा। बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में लोग आकर के लाभ ले रहे हैं। भगवान श्री राम का पावन चरित्र आज की नई युवा पीढ़ी के लिए बहुत आवश्यक है और इस कथा के माध्यम से कई बातें जीवन उपयोगी बताई जा रही हैं। जो लोग इस कथा में नहीं आ सके हैं वो लोग जरूर पधारें और यहाँ आकर के भगवान राम के आदर्श जीवन को जीवन में उतार करके अपने जीवन को धन्य करें। श्री राम कथा आयोजन समिति का आज 3rd दिन राम कथा कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें आज श्री राम भगवान का जन्म उत्सव मनाया गया है। बड़े धूमधाम से इस बारिश के मौसम में जो अंडमान निकोबार आज का वेदर बहुत खराब है, इतना बारिश में भी काफ़ी लोग बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिए और श्री राम जी का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मिठाइयों से फल से चॉकलेट से काफ़ी धूमधाम से इन्होंने आज उत्सव को मनाया है। झूम झूम के महिलाओं ने भगवान के लिए अपना हर चीज़ समर्पित कर दिया और अच्छे से हुआ। कल भगवान राम जी का विवाह होगा और भी इस तरह करते करते हमारा कार्यक्रम 9 तारीख को हवन होगा। आज 3rd दिन है, कल 4th दिन रहेगा। उसी के उपलक्ष्य में कल राम जी का विवाह सीता मैया का साथ विवाह का रूप दर्शाया गया, जिसमें कुछ झांकियां भी निकाली जाएंगी। बहुत भव्य कार्यक्रम कल होने जा रहा है। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें। दीपों के कोने कोने से सभी आप लोग इस कार्यक्रम में सब परिवार के साथ आप लोग उपस्थित हों। और कुल मिलाकर के 9 तारीख तक श्री राम कथा चलेगा और उसके बाद 10 तारीख को एक विराट हिंदू सम्मेलन, जिसमें मुख्य वक्ता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी और कार्यक्रम अपने जंगली घाट स्कूल ग्राउंड में है शाम को 4:30 बजे। और इसी श्री राम कथा आयोजन समिति का उद्देश्य है कि अंडमान निकोबार में एक संस्कार के दृष्टि से एक समाज में एक सनातन परंपरा का जागरण हो, हिंदुत्व का जागरण हो, इसी उद्देश्य को लेकर के श्री राम कथा आयोजन समिति ने इस राम कथा का आयोजन किया और इसका 9 तारीख को राम कथा समापन और 10 तारीख को विराट हिंदू सम्मेलन के कार्यक्रम के साथ साथ इस कार्यक्रम इस आयोजन का। अंडमान ब्यूटी पेजेंट 2017 के टॉप 11 फाइनलिस्ट विशेषज्ञ कार्यशाला में भाग लेने के लिए तैयार हैं, जो कि मुख्य भूमि भारत मुंबई और कोलकाता की 6 व्यावसायिक महिला मॉडल द्वारा आयोजित किया जाएगा। मुख्य भूमि भारत से आने वाले मॉडल हैं सुमनिता मॉडल, डिम्पी मॉडल, देवदत्तू मॉडल, महानंदा मॉडल, स्वागता और मॉडल तमूरी। मुख्य आयोजन के दौरान ग्रूमिंग फोटोशूट और फिटनेस आदि द्वीप समूह की सभी टॉप 11 फाइनलिस्ट लड़कियों के लिए पूरी तरह से निःशुल्क होगा और इससे
विज क्राफ्ट इवेंट्स मुंबई प्रदान करेगा। ये 6 महिला मॉडल 6 दिसंबर को ही पोर्ट ब्लेयर आ चुकी हैं और ग्रैंड फिनाले में 2 विशेष विषयों पे रैंप अनुक्रमों का प्रदर्शन करेंगी, जो कल 10 दिसंबर को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सभागार में आयोजित किया जाएगा। विशेष सेलिब्रिटी न्यायाधीशों का नाम के अब तक खुलासे नहीं हो पाए हैं। मेरा फर्स्ट टाइम अंडमान में है। आई एम वेरी प्रिविलेज टू बी हियर इन द को पार्टिसिपेट इन अंडमान ब्यूटी पेजेंट। यहाँ पे इट्स गुड टू सी ऑल द कॉन्टेस्टेंट, ऑल द गर्ल्स, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, दे आर लाइक सो प्रिटी गर्ल्स एंड दे आर गेटिंग व्यू है कि ब्यूटी पेजेंट में काम करके कुछ करें, मॉडलिंग में कुछ करें। सो वी आर ट्रैवल फ्रॉम कोलकाता टू हियर टू मुंबई। सो इट्स जस्ट वी आर स्टार्टेड अ वन डे क्लासेस, वी आर ट्राइंग टू गिव देम ऑन देयर habits of way of walking, their way of talking, and the overall performance will depend on how we pursue with the grooming session. And it's a privilege that we are very honored to call from Kolkata to be one of the grooming mentor, and for that I thank you Wizcraft Mumbai, Mr. Rahul, and Neon Spark Sumit Nandi. Thank you so much. Thank you. तो टुडे इज़ आवर फर्स्ट डे, आज पहला दिन है, तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू नो द कंटेस्टेंट्स की कौन क्या है, फ्रॉम विच बैकग्राउंड दे आर कमिंग, और टेस्टिंग हाउ कॉन्फिडेंट दे आर, उन लोगों में अच्छाई, व्हाट आर द पॉजिटिव साइड्स, व्हाट आर द नेगेटिव साइड्स। ओके, सो वी आर ट्राइंग टू वर्क ऑन दैट, सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू गेट टू नो देम। देन फिर कल से वी विल ट्राई टू लाइक यू नो टीच द बेसिक थिंग्स, जैसे बेसिक ग्रूमिंग हो गया, या लाइक यू नो हाउ यू नीड टू स्पीक, हाउ यू नीड टू वॉक, बेसिक पोजिंग। तो अभी के लिए तो फर्स्ट डे यही एक्सपीरियंस है, एंड थैंक्स टू मिस्टर राहुल, ही हैज ऑर्गेनाइज अ वंडरफुल इवेंट विजक्राफ्ट इन मुंबई। हाँ, तो टुडे वी आर लाइक जस्ट एंजॉइंग आवर सेल्फ, मी द कंटेस्टेंट्स, वी आर नॉट लाइक यू नो ट्राइंग टू बी लाइक अ टीचर, we are trying to be like a friend and getting to know them. अंडमान लाइव में फिलहाल बस इतना ही, आप देखते रहिए नेशन लाइव। नमस्कार। शादी का सीजन हो या कोई और मौका, बेहतरीन कपड़ों के लिए सिर्फ कलकत्ता क्लोथ स्टोर। कलकत्ता क्लोथ स्टोर, राउंड बस्ती नियर जामा मस्जिद। माय कैमरा, अरे फोटो नहीं यार, कैमरा मिलेगा तो सही, तू जहां भी छिपा है कहीं छान डाले पूरा संसार। जिद पर की सर पे सवार जब हो साथ में यार। The new age XUV 500 may your life be full of stories.